हेलो फ्रेंड्स, मल्टी सॉल्यूशन चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं हूं अर्षित गिरी। आज एक न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया है, टॉप 10 क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर इंटरव्यू ऑफ एचएससी मैनेजर एंड इंचार्ज। एचएससी मैनेजर और इंचार्ज इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चंस इंटरव्यू में होता है, तो उसका टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कॉमन क्वेश्चन जो रहता है, डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बारे में पहले आपको कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, तो पहले ग्रीटिंग्स आपको रेस्पेक्ट करना है। आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे आपको ग्रीटिंग्स पहले आपको रेस्पेक्ट देना है। उसके बाद थैंक यू फॉर शॉर्ट लिस्टेड, आपको ये बताना पड़ेगा जब आप मुझे इस वैकेंसी के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड किया है। नेक्स्ट है आपका नाम, आपका नाम क्या है, फुल नेम आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस क्या है विद कंपनी का नाम और पोजीशन, आप कौन सी पोजीशन में था, क्या आपका कंपनी में एक्सपीरियंस मिला है, तो सारे आपको कितना साल का एक्सपीरियंस है, ये सारे आपको डिटेल्स बताना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट है एडिशनल, अगर कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका हॉबीज, क्या हॉबीज है वो उसको आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है आपको बताना, बोलना लास्ट जो एंडिंग है उसको आप बताना पड़ेगा, जे आई एम लुकिंग फॉर गुड अपॉर्चुनिटी एंड योर कंपनी इज द बेस्ट कंपनी सो द जॉब इज फिट फॉर मी, तो ये आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेली एक्टिविटीज ऑफ एचएससी मैनेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप एचएससी मैनेजर का डेली एक्टिविटीज क्या है ये आपको बताना है। तो पहले बताना है कि मॉनिटर ऑल कन्वर्सेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम एंड ऑलवेज मेंटेन द हाइजीन एंड फैसिलिटी एंड प्रिपेयर द रिक्वायर्ड स्टेटस रिपोर्ट। तो आपको स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, मॉनिटर करना है और कन्वर्सेशन कस्टमर के साथ, वर्कर के साथ, आपको कमेटी के साथ, आपको मैनेजमेंट के साथ, तो ये आपको कन्वर्सेशन करना है और आपको सेफ वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है मैनेज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है कंपनी का, कम्युनिकेशन प्रॉपरली करना है, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है और क्या प्रिपेयर रिक्वायर्ड द न्यूज़लेटर एंड डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एंड एफिशिएंट साइट एफिशिएंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड प्रोग्राम द इन्वेस्टिगेशन टू एलिमिनेट ऑल इशू। तो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना है, मीटिंग कंडक्ट करना है और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है, आपका उसमें कोई भी अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन है उसको हाईलाइट करना है, उसको कंट्रोल मेजर आपको अटेंड करना है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन ऑल साइट सेफ्टी कमिटी, साइट सेफ्टी कमिटी मीटिंग आपको अटेंड करना है, एनालाइज द ऑल जॉब हैजार्ड एनालिसिस, जितना भी एक्टिविटीज है उसको जॉब हैजार्ड एनालिसिस करना है और एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ ऑल ओशा गाइडलाइंस एंड परफॉर्म ऑडिट ऑल एक्टिविटीज, जितना भी एक्टिविटीज है उसका एज पर ओशा गाइडलाइन उसको गाइडलाइन देना है और है आपको ऑडिट परफॉर्म करना है, ऑडिट कंडक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंसिडेंट डेफिनेशन, कितने टाइप का इंसिडेंट होता है, तो रिपोर्टेबल इंसिडेंट और नॉन रिपोर्टेबल इंसिडेंट एंड प्रोसीड्योर, उसका प्रोसीड्योर क्या है। तो रिपोर्टेबल इंसिडेंट क्या, रिपोर्टेबल इंसिडेंट इट इज इंक्लूड एक्यूट इंजरी, जो एक्यूट इंजरी है जैसे फिजिकल ओन्स सच एज कट फ्रैक्चर एम्पुटेशन एंड बर्न्स, तो इस तरीके से ओन्स होता है, कट होता है, फ्रैक्चर होता है, ऐसे टाइप के इंसिडेंट को रिपोर्टेबल इंसिडेंट बोलता है। Also, all environmental incidents are reportable incidents. तो इसको आपको reporting क्या करना है? Reporting आपको within 24 hours का अंदर आपको management को information देना है। उसके बाद investigation report आपको within 14 days or 15 days as per company rules हिसाब से आपको reporting करना है। Next है non-reportable incident. Non-reportable incident का definition क्या है? ना, it is include the chronic. ये क्रॉनिक इंक्लूडेड है इंजरी, जैसे डस्ट डस्ट डिजीज
of the lungs such as silicosis, asbestos. तो ये जो इंजुरी है, ये जो इन्फेक्शन है, तो ऐसे ऑक्यूपेशनल डिजीज, इस टाइप का डिजीज को आप नॉन रिटेबल, नॉन रिपोर्टेबल इंसिडेंट बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन साइट। तो कंस्ट्रक्शन साइट में आप कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो क्या प्रोसीजर है? तो पहले आपको क्या है ना, मिनिमाइज द वेस्ट, आप जितना वेस्टेज निकल है उसको मिनिमाइज करना है। इंडस्ट्रियल रिसाइकलिंग, जो रिसाइकलिंग आपको जो वेस्टेज निकल है उसको रिसाइकलिंग करना है। एफिशिएंट एनर्जी यूज, आप जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करना है। चूज ग्रीन सॉल्यूशन, आप प्लांटेशन करना है तो उसमें आप ग्रीन सॉल्यूशंस का द्वारा आप एनवायरमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्स, जो इकोलॉजिकल रिसोर्स है उसको आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्या, मॉनिटरिंग टेस्टिंग, आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग, प्रॉपर मॉनिटरिंग द्वारा आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट। एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट का डेफिनेशन क्या है? एस्पेक्ट है एन एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज और प्रोडक्ट्स और सर्विसेस दैट इंटरैक्ट ऑन, कैन इंटरैक्ट विथ एन एनवायरमेंट। इंटरैक्ट और कैन इंटरैक्ट, तो जो रिसोर्स है, जो कंपनी का प्रोडक्शन है, एक्टिविटीज है, जो एनवायरमेंट को ऊपर इंटरैक्ट करता है, ऐसे सर्विस को बोलते हैं एस्पेक्ट। एग्जाम्पल, ना एग्जाम्पल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है, यूज द पावर ऑफ आईटी इक्विपमेंट, प्रोड्यूस द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वेस्ट वाटर निकलता है, और क्रिएटिंग द नॉइज फ्रॉम ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज और क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ एरिया एट द साइट। तो ऐसे जो सर्विस है तो इसके जो इंटैक्ट होता है एनवायरमेंट, इसको एस्पेक्ट बोलते हैं। इम्पैक्ट, चेंज इन टू द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट ऊपर इम्पैक्ट होता है, चेंज होता है, वेदर एडवर्स बेनिफिशियल रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट एस्पेक्ट। तो इसके एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, यह इम्पैक्ट है जो एनवायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। एंड डिफोरेस्टेशन एंड हैबिटेट क्रिएशन एंड इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, तो ये है इम्पैक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलटीआई एंड ड्यूरेशन। एलटीआई का मीनिंग क्या है? एलटीआई का फुल फॉर्म है लॉस्ट टाइम इंसिडेंट। लॉस्ट टाइम इंसिडेंट एक्चुअली क्या है ना, एनी इंजुरी दैट रिजल्ट एट लीस्ट वन फुल डे एब्सेंट फ्रॉम द वर्क फॉलोइंग द डे ऑफ इंसिडेंट। तो डे ऑफ इंसिडेंट से एक दिन अगर वर्कर काम पे वापस ना आए तो दैट इज ए लॉस्ट टाइम इंजुरी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो पहले सिलेक्ट द एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम पहले आप सिलेक्ट करना है एक टीम को। नेक्स्ट है, कंडक्ट द ओपनिंग मीटिंग। आपको उस सिलेक्ट करने के बाद आपको एक कंडक्ट मीटिंग कंडक्ट करना है। और मीटिंग में क्या है, मीटिंग में आपको डिस्क्राइब करना है व्हाट इज द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमिंग एंड व्हाट इज द, एज पर डिपेंड करता है किसका कॉम्पिटेंसी है, उसके हिसाब से आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है। तो ये है मीटिंग में आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है, एसेस द इंजुरी। आप इंजुरी जो एक्सीडेंट हुआ है उसको एसेस करना है। नेक्स्ट है, ऑब्टेन द मेडिकल ट्रीटमेंट इफ नेसेसरी। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई ये है प्रोग्राम है तो उसको ऑब्टेन करना है। इंटरव्यू इंजुरी एम्प्लॉय और विटनेस, एम्प्लॉय का विटनेस लेना है और इंटरव्यू करना है। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व एक्सीडेंट सीन्स एंड एनालाइज द फैक्ट्स। जो एक्सीडेंट का सीन है उसको अच्छा तरीके से एनालाइज करना है। नेक्स्ट है, फाइल ए वर्कर्स कॉम्पेंसेशन, जो कॉम्पेंसेशन क्लेम किया है उसको फाइल को आपको देखना है।
और नेक्स्ट है फॉलोअप, उस सिचुएशन का आपको फॉलोअप करना है। लास्ट क्या है, करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा उस एगेंस्ट का, जितना जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है क्या करेक्टिव एक्शन है। लास्ट है क्लोजिंग मीटिंग, एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आपको एक क्लोजिंग मीटिंग कंडक्ट करना है, तो क्लोजिंग मीटिंग में आपको करेक्टिव एक्शन और ड्यूरेशन आपको शेयर करना है। हाय फ्रेंड्स, जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, तो न्यू वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हैजार्ड ऑफ एक्सकैवेशन वर्क, एक्सकैवेशन वर्क का क्या हैजार्ड हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। हीटिंग अंडर यूटिलिटी लाइंस हैजार्ड है, केबिन्स है, फॉल्स एंड फॉलिंग लोड्स है, हैजार्डस एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो हैजार्डस गैसेस रहता है वो हैजार्ड हो सकता है। मोबाइल इक्विपमेंट मूवमेंट का टाइम में अगर मोबाइल इक्विपमेंट गिर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ हैजार्डस गैस इनसाइड द एक्सकैवेशन पिट, एक्सकैवेशन पिट के अंदर नॉर्मली क्या गैस रहता है। नॉर्मली मीथेन गैस रह सकता है, H2S गैस रहता है, कार्बन मोनोक्साइड, यही गैस रह सकता है। नेक्स्ट ऑफ व्हाट इज द डेप्थ ऑफ एक्सकैवेशन पिट कंसीडरिंग एज ए कॉन्फाइंड स्पेस, कितना डेप्थ होने से एक्सकैवेशन का पिट आप कॉन्फाइंड स्पेस एज ए आप डिक्लेयर कर सकते हैं, आप एज ए कंसीडर कर सकते हैं। तो मोर देन 1.1 मीटर अगर डेप्थ है तो आप कंसीडरिंग एज ए कॉन्फाइंड स्पेस। नेक्स्ट है, हाउ टू प्रिवेंट द सॉइल कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सकैवेशन, एक्सकैवेशन के टाइम में आप कैसे वो सॉइल कोलैप्स से आप रोक सकता है, तो ये आपको शोरिंग करना है, स्लोप कट करना है, बेंच कट और स्टेप कट एज पर सॉइल कंडीशन हिसाब से आपको करना है, तो उस हिसाब से वो सॉइल कोलैप्स को आप रोक सकते हैं। हाउ मेनी वोल्टेज लाइट टू बी अलाउड इन कॉन्फाइंड स्पेस, कॉन्फाइंड स्पेस का अंदर आप कितना वोल्टेज आप अलाउ कर सकते हैं, तो नॉट एक्सीड 12 वोल्ट से ज्यादा आप अलाउ नहीं कर सकता है डैम्प कंडीशन, एंड विल बी इक्विप्ड विद ए ग्राउंड फॉल्ट, लाइटिंग के लिए आप 12 वोल्ट से ज्यादा आप इस्तेमाल अलाउ नहीं कर सकता है एज ए कॉन्फाइंड स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेफ्टीफिकेशन इन कॉन्फाइंड स्पेस, क्या सेफ्टीफिकेशन लेना है कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर। तो पहले क्या ना, अवॉइड एंटरिंग द कॉन्फाइंड स्पेस, कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर आप जाने के लिए अलाउ नहीं करना है। सेकेंड है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, अगर आप अलाउ कर रहा है तो आपको सेफ सिस्टम फॉलो करना है। नेक्स्ट है, अपॉइंट द सुइटेबल पर्सन फॉर द वर्क, वो कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने के लिए आपको स्पेसिफिक पर्सन को डिप्लॉय करना है, जिसका कॉम्पिटेंस है एक्सपीरियंस है ऐसे पर्सन को अलाउ करना है। नेक्स्ट है, टेस्टिंग द एटमोसफेयर एंड टेक एन कंट्रोल मेजर, आपको एटमोसफियर उसके अंदर कौन सी गैस है, गैस मीटर से आपको चेक करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल में जल लेना है। नेक्स्ट है आइसोलेशन, उस एरिया का आइसोलेट करना है। क्लीनिंग एंड कूलिंग बिफोर एंट्री, उसके अंदर आदमी भेजने के पहले आपको क्लीनिंग करना है, अगर उसके अंदर कुछ है कम्बस्टेबल, कुछ है अदर्स कुछ गैसेस है, कुछ मेटेरियल्स है, तो उसको क्लीनिंग है कूलिंग करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट है वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन, उसको ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी सफिशियंट ऑक्सीजन होना चाहिए। चेक द साइज ऑफ एंट्रेंस, आप उसके अंदर जाने के लिए एंट्रेंस को आपको चेक करना है, जैसे उसके अंदर जाके फिर जो पर्सन भेज रहा है उसको वापस भी आ सकता है, और उसको कैसे अगर इनकेस कोई इंसिडेंट है तो उसको कैसे रेस्क्यू की दे, उसका एंट्रेंस भी देखना है। प्रोविजन ऑफ द स्पेशल टूल्स एंड लाइटिंग, आपको प्रोविजन रखना है स्पेशल टूल्स और लाइटिंग के लिए। प्रोविजन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड करना है। इश्यूएंस ऑफ सेफ्टी सर्टिफिकेट लाइक एज पार्ट PTW, वर्क परमिट, टूलबॉक्स मीटिंग आपको कंडक्ट करना है। इमरजेंसी प्लान इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीड्यू आपको रखकर इमरजेंसी प्लान को आपको शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिसेबल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन कॉन्फाइंड स्पेस एंड एडीवेयर anywhere, so it is the 19.3% to 23% up allowable hai, that is the permissible oxygen level.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचएससी कमिटी मीटिंग एंड ड्यूरेशन? एचएससी कमिटी मीटिंग ना सेफ्टी कमिटी होल्ड ए रेगुलर मीटिंग विद द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ एम्प्लॉय के साथ जो मीटिंग है, टू मेक द श्योर दैट एवरीवन अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक सेफ्टी प्रोटोकॉल। एक सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करके जो मीटिंग होता है एचएससी मीटिंग, दिस मीटिंग ऑल्सो एंश्योर दैट द प्रोटोकॉल आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड चेंजेज इफ नेसेसरी। ड्यूरेशन ये मंथली होता है, तो एचएससी मीटिंग में आपको कंडक्ट करना है और एचएससी मीटिंग कमिटी आपको सिलेक्ट करना है और ये मैनेजमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ वर्क के साथ जो मीटिंग होता है दैट इज ए एचएससी कमिटी मीटिंग। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचएससी मीटिंग? एचएससी मीटिंग का, कमिटी मीटिंग का पर्पस क्या है? ना ये पर्पस है द एस्टेब्लिशमेंट सेफ्टी कमिटी इज वन ऑफ द नंबर ऑफ एक्शंस टू मैनेज द हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस। वर्कप्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए मीटिंग है। रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को रिड्यूस करना है, रिड्यूस ऑफ एब्सेंटिज्म, प्रिवेंट नेगेटिव लीगल एंड फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस एक्सीडेंट्स एंड टू अवॉइड द डैमेज ऑफ कंपनी रेपुटेशन। तो मेनली एक सेफ वर्किंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपको ये सेफ्टी कमिटी मीटिंग कंडक्ट करना है। व्हाट इज द पार्टिसिपेंट इन द मीटिंग एंड पार्टिसिपेंट परसेंटेज? सेफ्टी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द एम्प्लॉयर व्हिच शैल बी रिप्रेजेंट बाय इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड बिल्डिंग वर्कर्स। मतलब एम्प्लॉयर के जितना परसेंटेज रहेगा उतना परसेंटेज वर्कर रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो नेवर कभी भी मोर देन एम्प्लॉयर वर्कर से एम्प्लॉयर ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो एम्प्लॉयर शैड नॉट एक्सीड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बिल्डिंग वर्कर्स 50%, 50% एम्प्लॉयर 50% एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव 50%। सो एज पर BSCW एक्ट 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हायरार्की कंट्रोल? मेजर्स एंड एग्जांपल। तो हायरार्की कंट्रोल क्या, हायरार्की कंट्रोल है ना एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है ना, फिजिकल रिमूव द हैजर्स, आपको फिजिकली हैजर्स रिमूव करना है। सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेस द हैजर्स। अगर उस एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है वो हैजर्ड को कंट्रोल कर, तो आपको वर्क को रिप्लेस करना है, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूट वर्क में आपको प्रोसीड्यूर आप करोगे। चेंजिंग कंट्रोल, आइसोलेट द पीपल फ्रॉम द हैजर्स। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल मतलब आपको आइसोलेट पीपल को आइसोलेट करना है वो हैजर्स से। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन ना चेंज द वे ऑफ पीपल वर्क। जिस प्रोसेस में वो काम हो रहा है अगर हैजर्ड आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, आपको प्रोसेस को चेंज करना है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अगर वो हैजर्ड को सारे फेलियर है, सारे प्रोसेस फेलियर है, तो आप पीपीज प्रोवाइड कर सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सपोजर फॉर नॉइज? नॉइज के लिए कितना परमिसिबल एक्सपोजर है? तो 85 डेसिबल फॉर 8 आवर्स एंड 115 डेसिबल मोर और मोर डेसिबल है अगर रहेगा तो 30 सेकेंड आप अलाउ कर सकता है पर्सन को। नेक्स्ट ऑफ व्हाट इज द ISO 45001 इज द न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी, इंटरनेशनल ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी दैट कैन बी अप्लाइड फॉर टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। द एडोप्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये मैनेजमेंट सिस्टम्स को डेवलप करना है इनेबल टू ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सेफ हेल्दी वर्क प्लेस, प्रिवेंट वर्क रिलेटेड इंजुरी, ए वर्क रिलेटेड इंजुरी इन हेल्थ एंड कंडीशनली इम्प्रूव द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। और ये ISO 45001 ये बेस्ड ऑन द PDCA। PDCA
पीडीसीए साइकिल, पीडीसीए साइकिल मतलब है प्लान डू चेक एक्ट। तो ये साइकिल का ऊपर बेस करके आईएसओ 45000 जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है तो ये डेवलप करता है मैनेजमेंट सिस्टम को और बेस्ड ऑन द प्लान टू चेक एक्ट। तो प्लान मतलब एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस नेसेसरी टू डिलीवरी रिजल्ट्स टू अकॉर्डेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड पॉलिसी का ऊपर बेस करके आपको एक एस्टैब्लिश करना है ऑब्जेक्टिव्स और उसी हिसाब से आपको प्लान करना है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द अबव। डू मतलब इम्प्लीमेंट द अबव। तो जो पॉलिसी है, जो अब ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है चेक। आप उस इम्प्लीमेंट जो कर रहा है, जो ऑब्जेक्टिव के इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो वर्क एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग हो रहा है क्या? आप मेजर से प्रोसेस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन आप मेजर करना है, कंट्रोल मेजर लेना है, ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड ऑब्जेक्टिव जो है, आप जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है तो उसको कॉम्प्लायंस करना है और सारे जो प्रोसेस है उसको एज पर ऑब्जेक्टिव हिसाब से उसको चेक करना है, मॉनिटरिंग हो रहा है क्या वो देखना है। नेक्स्ट है एक्ट। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेना है और कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है क्या वो परफॉर्मेंस वो आपको देखना है। तो ये हो गया आपका PDCA प्लान डू चेक एक्ट, ये साइकिल। हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंटरव्यू ऑफ सेफ्टी मैनेजर एंड इंचार्ज। थैंक यू, आई विल कम नेक्स्ट वीडियो।